गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में गेहूं के आटे से बनी हुई क्रीम बनाना सिखाऊंगी। ये एक स्किन व्हाइटनिंग और स्किन लाइटनिंग क्रीम है। ये क्रीम आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर, ग्लोइंग, स्पॉटलेस और रेडिएंट बनाती है। और ये स्किन व्हाइटनिंग क्रीम आपके स्किन पर से डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स, पिंपल्स और सन टैन की प्रॉब्लम को भी जड़ से ख़त्म कर देगी और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर, ग्लोइंग, रेडिएंट और स्पॉटलेस बनाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस गेहूं की क्रीम को कैसे बनाया जाए। तो इस स्किन व्हाइटनिंग क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी में एक बड़ा चम्मच गेहूं का आटा लेना है। उसके बाद आपको इसके अंदर दो बड़े चम्मच रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि एक स्मूथ पेस्ट बने। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपको इस पेस्ट को छानना है एक छन्नी की मदद से। और इस पेस्ट को छानने के लिए आप छन्नी की जगह चीज़ क्लॉथ या कोई कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। और इसको अच्छे से छानने के बाद आपका ये स्मूथ और फाइन मिक्सचर रेडी है। तो चलिए अब इस मिक्सचर की मदद से हम गेहूं की क्रीम बनाते हैं। तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी में 2 से 3 बड़े चम्मच ये गेहूं का पेस्ट ले लीजिए। अब आपको इस पेस्ट के अंदर 1 चम्मच आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल डालना है। उसके बाद अब आपको 1 चम्मच वाइटमिनी ऑयल डालना है और इसकी जगह आप 3 से 4 वाइटमिनी कैप्सूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी ना हो तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में आपको 3 से 4 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल डालकर इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पर मैंने पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल यूज़ किया है, बट आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एलोवेरा जेल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप क्यूकम्बर जेल भी यानी कि खीरे का जेल जो आता है मार्केट में वो भी यूज़ कर सकते हैं। और एलोवेरा जेल या क्यूकम्बर जेल डालने के बाद अब आपको इन सारे इंग्रीडियंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक स्मूथ और फ्लफ़ी पेस्ट बने। और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी ये 100% नेचुरल और इफ़ेक्टिव व्हीट क्रीम रेडी है। ये गेहूं के आटे से बनी हुई क्रीम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी स्किन को लाइटन और वाइटन करने के लिए। इस क्रीम की मदद से आपके चेहरे पर से जो भी दाग धब्बे, झाइयाँ और किसी भी प्रकार के निशान हैं वो सिर्फ कुछ ही दिनों में जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्पॉटलेस, क्लियर और फेयर बन जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्रीम को कैसे स्टोर किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को स्टोर करना बहुत ही आसान है। आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और आप इस क्रीम को 10 से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्रीम को कैसे यूज़ किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा अपने स्किन पर लगाना है और आप इस क्रीम को अपने फेस पर या अपनी फुल बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से लगाकर इसको 10 से 15 सेकेंड के लिए अपनी स्किन पर मसाज कीजिए और इसको ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप इस क्रीम से बेस्ट रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आपको ये क्रीम दिन में 2 बार इस्तेमाल करनी होगी, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी ईजी और इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे वीडियोज़ की रेगुलर और फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए।